सॉरी, वो एक्चुअली मैं वहां देख रहा था तो मुझे पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी, मैं आर यू फाइन, आप ठीक है? मैं ड्रॉप कर दूं आपको, आप कहाँ जा रही हैं? मैं प्लीज कैन आई हेल्प यू? मैं चली जाऊंगी। कहाँ गुम हो मेरे भाई? अरे कहीं नहीं यार। ओए तू मुझे बता, तू 3 घंटे पहले आने वाला था ना, और तू अब आ रहा है? हाँ, तेरे चक्कर में मैं डैड के साथ भी नहीं गया। सॉरी यार, निकल ही रहा था कि अंकल का फोन आ गया कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना, इससे देर हो गई यार। खैर बता क्या प्रोग्राम है? प्लान कुछ भी नहीं यार, शॉपिंग पे जाना। शॉपिंग? किस लिए? आई मीन क्या लेने जा रहे हो, परफ्यूम या क्या? कह रहे तू किसकी बात कर रहे? उसी की जिसके ख्यालों में तुम खोए हुए थे, जिसको गाड़ी से टक्कर मारी थी, जिसकी तुमने जान बचाई थी। शराफ, ओके दिस शराफ, आई डोंट इवन नो हर, कहाँ रहती है, कौन है, क्या नाम है, दोबारा मिले ना मिले। होए 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 होए, इतनी मायूसी, बुरी बात। अबे यार, मोहब्बत में अगर आप सादिक हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तुम बकवास नहीं करते। लेट्स गो। कहाँ? चलो। हाँ शॉपिंग। चल चल। तो बहुत तंग करना शुरू कर दिया इसने भी। अलग से मेंटेनेंस के लिए पैसे भी रखते हैं, लेकिन तुम इसके पीछे ही लगे रहे ना। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तुमने तरक्की करना, इस फटीचर को लेके घूमते रहना। तुम लाश बन चुकी है, कितनी बार कहा है इसको दफना दो। तो क्या मेरे पास जादू की छड़ी है जिसे मैं घुमाऊंगा और ये ठीक होकर चलने लगेगी? हा? मुझे नहीं पता, बहुत गर्मी लग रही है, मैं झुलस रही हूँ गर्मी में। तुम अकेली ही झुलस रही हो ना, अकेली ही मर रही हो, मुझे तो धूप में बड़ा मजा आता है। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ भी शुरू हो गए चिक चिक करना मुझसे। बात दरअसल ये है कि अम्मा के घुटनों की तकलीफ को पूछने जा रहे हैं, तुम्हारे साथ सह को नहीं निकली हूँ मैं साहिल समंदर की, जो यहाँ खड़े हो गए मुझे लेके। जा रही हूँ मैं, नहीं तो रक्षा पकड़ के। अब हाँ, तुम्हारे शौहर की मिलें चल रही है ना, रिक्शे पे जाओगी तुम? CNG पेट्रोल को आग लगी हुई है, कम से कम भी रिक्शे वाला 400 रुपए लेगा तुमसे। कलेजा मुंह को क्यों आ रहा है तुम्हारा? 400 रुपए मैंने देने हैं ना, है मेरे पास। हाँ जानता हूँ बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी अम्मा के दिए हुए, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना अच्छा लगता है। कुछ ख्याल करो, ये रोड पे खड़े हैं हम, घर पे नहीं है। मुंह बंद करो अपना, तुम 2 मिनट रुको, सामने मैकेनिक की दुकान है, लेके आ रहा हूं मैं उसे। इसको भी ले जाओ। अम्मा को तो फोन कर दूं, उछलती फिर रही होगी, हम इधर बीमारी के बहाने बना रहे। हेलो सबा बोल रही हूँ क्या? कौन कौन लगा रखी है तुमने, आवाज नहीं पहचानती? हाँ इम्तियाज के साथ आ रही हूँ, मैंने तुम्हारे घुटनों की दर्द की तकलीफ का बहाना किया, अब यही बताना। ओ इसलिए क्या, तुम्हें नहीं पता कितना काया आदमी है? हाँ अब लंबी बातें क्या शुरू कर दी, आ रही हूँ ना मैं, कार्ड खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ खुदा हाफिज। अरे मैं तो झुलस गई। अरे जो भी जामनेबाजी करनी है ना बीमार होने की, पक्की वाली करना सही से टिका के, क्योंकि तुम्हारा जो ये प्रमाद है ना थानेदार किस्म का, 10 किस्म के सवाल करेगा और पकड़ लेगा तो माँ बेटी को भी जामनेबाजियां करी बीमार होने के, हो नहीं तुम लोग के सच्ची मुच्ची में बीमार। हाँ सही कहती है, ऐसा वकील है, ऐसे ऐसे सवालात करता है और फिर ऐसी ऐसी दलीलें देता है कि लाजवाब कर देता है। कमबख्त कहाँ से आ गया मेरी जिंदगी में, मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब कर दी है इसने। जाके अपने अब्बा के तेल लेकर आ जोड़ों वाला। जो चलाकियां, जो अदाकारियां, जो ड्रामेबाजियां मेरी माँ में कूट कूट के भरी हैं, उस बेचारे में कहां से होगी, लिख के दे रही हूँ पहले तुम्हारे आगे। हाँ आगे चाह दिखे आए इम्तियाज भाई, आए आपको देखे क्या हुआ है, अम्मा को तबीयत इतनी खराब है कि बस क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम इम्तियाज, बताओ बैठो मेरे पास। खाला की तबीयत तो बहुत खराब लग रही है,
आप कहें तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। हाय उमा कुछ कर दो अब। नहीं नहीं इम्तियाज भाई, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते अभी। अब्बा ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है कल 2 बजे का, कल लेके जाएंगे ना अम्मा को वहाँ पे। ये क्या बात है, तकलीफ अभी है आखाला को, अपॉइंटमेंट कल की है। मैं भी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ इन्हें, वो दवाई दे देगा, ठीक हो जाएंगी। इसमें क्या दवा? दवा नहीं, दवा तो वही वाली देंगे जो आपको खिलाती है हमेशा अम्मा को जब तकलीफ होती है। आपको देना दवाई, निकालें जल्दी से। हाँ अरे आप रहने देना, आराम करिए, अम्मा ले जाएंगे कल अब्बा, मैं देती हूँ दवाई उनको। ये ले दवाई, दे दो। हाय शुक्र है, हाय बड़ी तकलीफ है, हाय हाय सबा तू आई हुई है तो इसी बहाने अपनी कमेटी के पैसे ले जा, जमा हो गए सारे। कमेटी के पैसे? तुमने कमेटी कब डाल दी? तुम तो हर वक्त पैसों का रोना रोती रहती हो। बेटा यहीं से तो सलीका मंद औरत का पता चलता है कि वो कितनी सुघर है, मियाँ के पैसे जाया नहीं करती, बेचारी ने कितनी मुश्किल से जमा किए, कितनी सलीका मंद है मेरी बेटी। कमाल की बात है, यकीन नहीं आता मुझे। आपको क्यों यकीन आएगा, आपके नजदीक तो मैं पुअर हूँ, फजूल खर्च हूँ, ना शुक्री औरत हूँ। ना ना बेटा तुम सबा को गलत मत समझो, इसने घर के पैसों से ये बचाए हैं, इतनी मुश्किल से तो जमा किए हैं कि एक साथ बड़ी रकम आ जाएगी तो तुम कोई बड़ी चीज ले लो। हाय अम्मा मुझे क्या करने कमेटी के पैसे, मैंने तो इनकी मोटरसाइकिल के लिए कमेटी डाली थी, सोचा था ख्वार होते रहते हैं किस्तों पे नई मोटरसाइकिल ले लेंगे, मगर नहीं। तुमने मेरी मोटरसाइकिल लेने के लिए कमेटी डाल दी? देखा मैंने कहा था मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं आएगा इनको। नहीं बेटा ऐसे मत करो, मियां बीवी में इख्तलाफात हो जाते हैं, और सबा मेरा दामाद ऐसे नहीं है, ये तुम लोगों के पैसे हैं, जो चीज चाहे करो। नहीं नहीं खाला ये पैसे इसी के हैं, जो ये चाहे उससे करे। सबा तेरा बाप हो जाएगा, कौंडा फूट जाएगा। अच्छा भाई चलें, वैसे भी देर हो रही है, अब हम लोग निकलते हैं, चलें। आपू सीट तो धोना, इतने ढेर सारे पैसे मिले कमेटी के, चपेट ना तू एक मुंह पे। अच्छा अम्मा खुदा हाफिज। अच्छा खाला परफॉर्मेंस की है, मैं गेट बंद करके आती हूँ, कमाल हो। उमा तुझे मैंने कितनी दफा समझाया, तेरे बाप को भिनक भी पड़ी ना तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। अम्मा तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि चुटिया तो तुम बनाती हो, मैंने तो अपने बाल खुले रखे, तो अब्बा मुझे कहाँ से चोटी पकड़ के बाहर निकालेंगे, तो मैं निकालेंगे। हाँ हाय हाय तूने बाल क्यों खोल दिए, तेरे अब्बा ने देखा ना तो पता है ना क्या करेगा। ओफो अम्मा एक तो तुम्हारा हर वक्त का ये डर और खौफ, अब्बा ने ये देख लिया, अब्बा ने वो देख लिया, सब छोड़ो मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन खुली जुल्फों में मैं लग कैसी रही। बड़ी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, लेकिन देख बेटा तुझे पता ना अपने अब्बा का। फिर अब्बा 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 मेरे हैं क्या, एक दकिया नूसी से इंसान जिनको कुछ नहीं पता फैशन के बारे में। और वैसे भी अम्मा तुम्हें पता है मुझे यासिर ने बोला है कि मैं खुली जुल्फों में बहुत खूबसूरत लगती हूँ, महारानी जैसी, तो बस अब मैं खुले बाल ही रखूंगी। हाँ शर्म तो नहीं आती ना अब्बा के बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हुए, एक तो गलत काम करना और ऊपर से हो गई शुरू तुम, तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जूनियर अब्बा ये सवाल वो सवाल, इधर जाओ ये करो वो ना करो। बहन आज तुम मुझे बता ही दो तुम आखिर चाहती क्या हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कब्र में सांप और बिच्छू ना डसे मेरे आपा को। क्या बात है क्या बात है, क्या ख्याल है अपने आपा का। एक काम करूंगी ना मैं, अगर मेरी कब्र में सांप और बिच्छू हुए तो मैं आके तुम्हारी कब्र में लेट जाऊंगी, तुम्हारी लग्जरी कब्र में। खुश तुम एक मॉडर्न इंसान को घर का बनाकर नहीं रख सकती। बड़े अफसोस की बात है, जब मर्द सब कुछ करे तो अपने लिए वो मॉडर्न हो जाता है, अगर औरत यही सब काम करे तो वो उसे पुरानी वैल्यूज याद दिलाने लग जाता है। अम्मा कैसी बातें करती हैं आप, ये लड़कियों वाली बात कैसे कर सकती है, क्योंकि ये तो लड़की है ही नहीं, ये तो हमारा छोटा अब्बा है। क्या तुम वाकई इतनी सुघर हो के अखराजात से बचत करके कमेटी डालो, ये सब कुछ सच है या तुम्हारी अम्मा की पनाह गाह?